हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू मर्लिन गेमिंग। सो इस वाले एपिसोड में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हमारे वेपन्स को एन्चेंटिंग करने का कैसा है। लास्ट एपिसोड में आपको देखा होगा मेरे को लैपिस लॉजुली नहीं मिला है, एंड मैं बहुत दिन मेहनत करके ढूंढ रहा था, माइनिंग कर रहा था, एक राइट साइड एंड एक बैक साइड मेरे को डायमंड आयरन तो बहुत सारा मिल गया है, दो तीन डायमंड भी मिल गए हैं हमको। एंड अब मैं राइट जाने वाला हूँ फ्रंट साइड, उधर मेरे को लैपिस लॉजुली एंड माइनिंग एरिया कुछ अधिक होगा। घर में आ रहे हैं तो हम थोड़ा सा खाना खा के थोड़ा सा स्लो चल रहा है हमारा खाने, तो अब हम राइट जाके वहाँ पे कुछ माइनिंग करने के प्लेसेस कुछ दिखेंगे शायद। तो भाई ये तो बहुत डेंजरस लग रहा है, ये वाला बहुत अंदर है। मेरे को बहुत सारा कॉल मिल गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल को ले लेता हूँ इसलिए क्योंकि कॉल को मारने से एक बार हमारा लेवल देखो भाई कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। देखो देखो 3 4 यहाँ पर खड़े हैं, 5 6 7 8 इतना थोड़ा मार दिया हमारे इधर, तो लेवल 10 होने आ रहा है। अब अगर मेरे को लैपिस लॉजुली नहीं मिल गया है तो भाई बहुत आसान से एंचेंट कर सकता हूँ, बहुत ही बढ़िया। देखो भाई 10 हो गया है तो मैंने कर लिया है लेवल 10, एंड अब हमारा जो पिकैक्स होता ना वो भी बहुत ज़्यादा लेवल मिल जा रहा है, तो जितना है उतना नहीं लेते हैं, थोड़ा रहने से है इसलिए क्योंकि हमें लैपिस लॉजुली का ढूंढना चाहिए। उसके बाद स्टोन्स भी हमारे को बहुत सारे मिल जाते हैं, एंड लैपिस लॉजुली मिल गया तो हमारे पास थोड़ा सा स्टोरेज रहना चाहिए। थोड़ा सा अलग दिख रहा है, भागो 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 जल्दी भागो भाई, फ्रेंड्स फ्रेंड्स बहुत अलग दिख रहा है। ये क्या है, गोल्ड वाला बीच में मेरे को नहीं पता। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेते हैं इस वाले में, मतलब तो बहुत ये क्या है, ये क्या है, कुछ तो है उधर से झड़ रहा है। ये इसका नाम है, मैं आपको खोद के बाद दिखाऊंगा लेने के बाद। इसका नाम है नेदर क्रैक, नेदर क्रैक है इसका नाम। अच्छा दिख रहा है ये भी, अरे फ्रेंड इसके ऊपर से ऐसा तो ब्लड जा रहा है, क्या ये लावा है क्या, अनदर टाइप का कुछ लावा है। इसको खाने से कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं क्या होता है। आई थिंक इससे तो नहीं फूटने वाला है ये वाला, तो हमारे को थोड़ा डायमंड का चाहिए शायद। ये घर तो अंडर में नहीं है क्या ये वाला, शायद है शायद। यहाँ पे तो ये लाइटिंग वाला बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अगर हमारे घर में लगाएंगे फ्रेंड्स जस्ट मिस, मरने ही वाला था मैं तो, नहीं देखा है मैं ये वाला। ओके हम कोबल स्टोन थोड़ा सा ही ले लेते हैं, एंड फ्रेंड्स यहाँ पे तो एक छोटा सा चेस्ट है, इस चेस्ट को भी हम खोल कर देख लेते हैं। डर तो मेरे पास 5 ही है, इसको क्रॉस करने में तो लगने वाला है। अब इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेते हैं भाई,
बहुत अच्छा लगा, जस्ट मिस, अब मैंने जस्ट मिस बच गया हूँ। क्लोज करेंगे, इसके बाद में हम ओपन करने वाले चेस्ट रेवी नहीं रहता है, उसके अंदर क्या रहता है, लेकिन खाने के बाद अचानक से गिर गया तो बहुत मुश्किल हो गया। 3, 2, 1, वो बहुत सारे एंडर पर्ल है, इसको उठाओ पहले। एंड ये तो पक्का, अब मैं समझ गया हूँ, ये तो एंडरमैन का हाउस है। माइनक्राफ्ट में शायद हमारा ही घर रहता है, तो इनका भी घर है। एंचेंटेड बुक, गोल्डन बूट्स विद एंचेंटेड, बहुत सही। गोल्डन स्वॉर्ड एंड डायमंड सिल्क टच, फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, सिल्क टच वाला तो मेरा फेवरेट है, इसलिए क्योंकि हम एक खोदेंगे तो हमको 4 मिल जाएगा। इसे तो ओडिसी थोड़ा सा स्लोली खोता है, ऑब्सीडियन बहुत घट होता है। ये अनदर वर्ल्ड में तो जाने से बहुत कम आया था मेरे को, अनदर वर्ल्ड में तो बहुत सारा लूट होता है। ये क्या है भाई, ये पर्पल वाला, इसको खोद के मैं आपको नाम दिखा देता हूँ, मेरे को भी नहीं पता इसका नाम क्या है। ओके, अब देख लेते हैं इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। हाँ, ये भी खोद गया हूँ, अब देख लेते हैं। इसका नाम है क्रेइंग ऑब्सीडियन। बहुत वेराइटी है ये वाला, तो रो रहा है इसलिए क्रेइंग से बना हुआ एक बड़ा सा ब्लॉक है। ऊपर तो आयरन के बहुत सारे हैं भाई। अब तो इसका पावर दिखाने वाला है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ऑब्सीडियन को बहुत ज़्यादा से खोल रहा है, लेकिन नेदर क्रैकर जो है, ये क्या है भाई, स्टील का कुछ मिल रहा है शायद। ये नीचे 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 देख रहे हैं पहले, मैं तो नीचे कुछ पड़ा है भाई ब्लू वाला, तो एक बार बैक कर चेक कर लेता हूँ मैं। तो ब्लू वाला है ये, यहाँ पे ब्लॉक ऑफ डायमंड्स, ये हो गया बहुत अच्छी बात। बारह सा ऑब्सीडियन मिले हैं वो भी क्रेइंग वाले। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं हमारे घर के तरफ। स्पाइडर्स भी है भाई, ये थोड़ा सा हमारा लेवल तो बढ़ाना बंद है, बढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ पे तो स्केलेटन है। अब हम जाने वाले हैं हमारे घर को, एंड हम फिर से आएंगे सुबह। एंड उधर मैंने एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही मतलब, देखो फ्रेंड्स, दो दो एंडरमैन पूरा घर में वो लोग भन लिए हैं। एंड उनका लूट लूट कर मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, उनको उतना भी नहीं पता चला है। दो दो है एंड शायद दोनों और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमको नहीं दिख रहा है। तो पीछे से मेरे को एंडरमैन का साउंड आ रहा है। गोलेम बचा मेरे, देख रहा है। ओके, अब गोलेम को बहुत ज़्यादा काम आ गया है। ये है क्या, अब वो अब गुजरा हो गया है, ये उनका लूट लूट गया है इसलिए नहीं दिख रहा है ये। ओके, अब मेरे सब
igual en mil cosas. जब सुबह होगी ना तब हम फिर से वहाँ पे जाएंगे। जब जाके बहुत और सब कुछ घर को सफाई कर ले हम घर पूरे को लूट लेंगे एंड वहाँ पे मैंने एक बहुत तो के गाइस अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एंडरमैन का घर तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। उसको हम भाई मचा के रखे हैं, बहुत खाली पड़ा है एंड इस चेस्ट को भी नहीं छोड़ा है हमारे जो बड़ा घर तो है वो सही में है, वो घर तो बहुत ही शॉकिंग लग रहा है एंड स्पाइडर आई को फेंक दल रहा है इसको भी स्पाइडर आई को अब हम जाएंगे माइनिंग करने के लिए। वो है उधर साइड में बहुत ही बड़ा वाला माइनिंग एरिया, उन्होंने बहुत सही बना रखी है घर। लेकिन वहाँ पे और एक घर है पानी के बीच में, उसको मैंने नहीं देखा है शायद एंड यहाँ पे एक माइनिंग एरिया है बहुत नीचे जाके है, अगर पढ़ेंगे तो जाएंगे। मैंने एक देखा है वहाँ पे ही चलेंगे, वहाँ से मेरे को शायद लग रहा है बहुत मिलेगा। ये क्या है तो आइलैंड बना के रख दिया है स्विमिंग करके मैं चल देता हूँ। ये कुछ काला बिल्ली है, काला बिल्ली भी दिख रहा है लेकिन मैं जल्दी से तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अलग ही दिख रहा है। ये घर को पानी में कौन बना के रखता है घर को? ये इसके बीच में क्या है? ये तो बहुत ही यूनिक सा लग रहा है एंड इसका नाम क्या है? ये तो क्रैफ्टिंग गोल का नाम है शायद, हमारा जैसा प्यार कुछ ना कुछ होगा। ये भी बहुत अच्छा है, वो वाला शायद नहीं पाया है इसलिए क्योंकि मेरे पास स्टोरेज मतलब बैग में फुल हो चुका है मेरा बैग, इसलिए फेंक दे रहे या उठा लिया है ये हमारे पास। यहाँ पे मैंने कुछ अलग सा एक देखा है, मैं ढूंढ रहा हूँ उसको ही। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो मैं आ चुका हूँ मेरे घर के पास, इसलिए क्योंकि मेरा जो यूनिक सामान है लावा में पड़ के पूरा मच जाए, इसलिए मैं आ चुका हूँ मेरे घर के पास। वहाँ पे मैंने मेरा सामान को एक सामान बहुत ही ज़्यादा आराम से संभाल कर रखा है, इसलिए क्योंकि लेदर है ऑब्सिडियन, उसको हम नेक्स्ट एपिसोड में यूज़ करने वाले हैं हमारे टाइटल के नाम। ये है हमारे टाइटल, ये है कि हम नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर जाने वाले हैं अनदर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी आ रहा है, पानी के थ्रू मैं नीचे जा रहा हूँ, मुझे तो बहुत टफ ही आ रहा है। क्या है भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा खराब दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा सुरंग दिख रहा है मेरे को,
फर्स्ट ऑफ ऑल इसको खोते हैं भाई, इसलिए क्योंकि हमारे को इमरजेंसी में यूज होता है। सो ओके गाइस, मैं नीचे आ चुका हूँ। यहाँ पे तो बहुत आयरन है, मैंने सोचा इसको भी उठा लो क्योंकि आयरन तो बहुत काम आने वाला है। ओके यहाँ पे मिल गया है फ्रेंड्स, जो हमको चाहिए वो ही मिल गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दो से तो काम नहीं चलने वाला है हमारा। एंड ये वाला तो बहुत खतरनाक दिख रहा है, इसके अंदर ज़ॉम्बीज है। हमारा ब्लड भी बहुत गया है, हमारे पास जो टॉर्चेस है बोली भाई, इसका और तो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी रहता है। नीचे आ गया है तो बस है बहुत ज़्यादा। अब तब तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ चार ही मिले थे भाई, चार ही। एंड यहाँ पर तो बहुत सारे लेकिन उसके पीछे है हमारा लैपिस लैपिस लजुली चाहिए। ऊपर चिपका हुआ है और हमारे पास पूरे 15 यहाँ पे दो लैपिस है, नीचे भी एक है। ज़्यादा ज़ॉम्बीज आ जाते हैं भाई, मार देंगे कसम से। लालच बुरी बला है भाई, हमको पता है। एंड भाई फिर से आज कॉबल स्टोन लगा लगा के ऊपर चलेंगे, स्टोन लगाएंगे तो खत्म हो जाएगा। और 10 ही बचे हैं मेरे पास, ये 10 मेरे को ऊपर पहुँचाएंगे क्या? नहीं, थोड़ा
थोड़ा सा और थोड़ा सा आना है। ओ मेरे पास थोड़ा सा ये वाला कुछ तो है इसका नाम एंडरस्टाइन कुछ है, मिल गया है मेरे को। ओके ये भी ख़त्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा से जाना पड़ा। यस फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो आपका भाई ने बहुत ही तगड़ा करता है। हम लैपिस लाजुली उठा लिए है 18 मूवी। अब हम करने वाले हैं एन्चेंटमेंट 2 आवर आयरन नो गोल्डन स्वॉर्ड मिल गया है हमको वाले डब्बे में, उसको करेंगे एन्चेंटमेंट और वो हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड हम बन जाएंगे। ऊपर से देखो ये लामा वाला पैसा क्यों आता है, ये चुप चुप तो थूकता रहता है, उल्टी करता रहता है। एंड अब हम सेकेंड फ्लोर में आ चुके हैं एंड यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस, उसके ब्लास्ट फर्नेस में हम डाल दिए हैं ये लैपिस लाजुली भी डाल देते हैं। इसको सीधा ही मिस्टेक कर लिया हूँ वो है, इसको फिर से ले लो एंड स्मोकर मतलब ब्लास्ट फर्नेस के पास चलो एंड अब रखो भाई। मैंने फ्यूल के तरफ इनपुट रख दिया है, कोल ने इनपुट के तरफ रख दिया है इसलिए नहीं आ रहा है। हमारे पास जो रॉकेट के जैसा लग रहा है 64 आयरन बॉल्स मिल गए हैं बहुत ही अच्छा। एंड ऊपर वाले में लैपिस लाजुली भी बन गया है 18। अब हम गोल्डन वाला स्वॉर्ड लेना है, मिल गया है गोल्डन वाले को एन्चेंट करके उसको यूज़ करने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। एंड मेरे पास खाना भी नहीं है, ब्लड भी नहीं है, एन्चेंट कर देते हैं उसको लैपिस लाजुली को तो उसको इधर रखो। ये हो चुका है, बहुत ही ऑसम लग रहा है भाई गोल्डन वाला चाकू तो। फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है वाला तो, पर्पल कलर में है। इसको हम टेस्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सोया के है, सुबह होता है ना जब टेस्टिंग हम लामा के ऊपर करेंगे, लामा तो नीचे एक पड़ा है वो भी और थोड़ा ज़्यादा तो नहीं हुआ है लेकिन हमारे पास बहुत कम लैपिस लाजुली मिल चुका है उस केव के अंदर। यहाँ पे तो वाटरमेलन आ चुके हैं, वाटरमेलन दिखने में तो बहुत अच्छा है। ओके भाई कुछ इससे तो मतलब चिकन को एक ही शॉट में मार के हम ले लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि मेरा ये वाला है बहुत ही अच्छा है गोल्डन स्वॉर्ड तो। एंड अब इसमें तो बहुत ही यूनिक सब है, ये वाला तो ब्लॉक ऑफ गोल्ड है, ये तो ब्लॉक ऑफ डायमंड है, ब्लॉक ऑफ आयरन है, 3 मिल चुके हैं मेरे को, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इस 3 को मिला है इंगॉट के द्वारा, देखो भाई 64+35 बहुत ज़्यादा है। मेरे को डायमंड भी इतना सारा मिल गया तो बहुत अच्छा रहेगा, प्लीज डायमंड भी बहुत मिलना चाहिए मेरे को, नहीं मिलेगा शिट। आयरन तो थोड़ा सा सब लेवल का है इसलिए लैपिस को छपा दिया है। एंड ये नेदर का आर्मर मतलब आर्मर का कंप्लीट सेट लग गया है मेरे को, सिर्फ और सिर्फ एक हेलमेट मिला है, दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो सामने तरफ मेरा जो कैरेक्टर है वो भी अच्छा दिख रहा है, उसको ये पर्पल वाला सेट नहीं हुआ है, लेकिन जोकर के तरह ग्रीन बॉल डाल गया है मेरे वाला तो 64 + 64 बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, आयरन तो मेरे को बहुत ज़्यादा मिल गया। तो ओके गाइस, मैंने आ चुका हूँ विलेजर्स के पास, बहुत दिन हो गया है इनको देखे, यहाँ पे तो छोटे बच्चे तो खेल रहे हैं, तीनों 4, 5, 6, 7 लोग हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा विलेज बनने वाला है। मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाने वाला हूँ कि हम नेक्स्ट वर्ल्ड में जाएंगे एंड प्लिंटन स्टील बनाना है हमने मेनली, वो भी हम ढूंढेंगे नेक्स्ट एपिसोड में हम ढूंढते हैं। ओ फ्रेंड्स, उनको बन स्टील लगा हुआ, सॉरी भाई क्यों भाग रहा है, यहाँ पे तो पोटैटोस है इसलिए क्योंकि ब्रीडिंग कर रहा है। एंड मैं आपको नेक्स्ट वाले एपिसोड में दिखाने वाला हूँ कि हम जो है नेक्स्ट अनदर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है एंड वहाँ पे तो बहुत लूट होता है, वहाँ पे तो बहुत लूट मार के यहाँ पे आके छी मारेंगे। एंड नेक्स्ट एपिसोड में और भी बहुत क्रिएटिव चीज़ें मिलने को दिखते हैं। तो आज के इस वाले वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय। Thank you.